थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा अवैध तमंचा से हर्ष फायरिंग की वायरल वीडियो से संबंधित अभियुक्त सुरेंद्र यादव को अवैध तमंचा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन पर अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री, परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 8 जून 2023 को थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध तमंचा से फायरिंग की वीडियो की जांच कर वीडियो में हर्ष फायरिंग करने वाले अभियुक्त सुरेंद्र यादव पुत्र रामस्वरूप को दतेली बाईपास के पास से घटना से संबंधित अवैध तमंचा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इसके संबंध में थाना हैदराबाद पर आर्म्स एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से बरामदगी में एक अवैध तमंचा, 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक मोहम्मद कलाम खान, कांस्टेबल ललित कुमार, कांस्टेबल प्रमोद मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी से आशीष भारती के साथ जिला ब्यूरो चीफ पवन सक्सेना की रिपोर्ट।